नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। भारत में नियम कायदों और कानूनों का अपमान करना एक प्रथा बनती जा रही है। पार्षद से लेकर विधायक, विधायक से लेकर सांसद तक राजगीत का अपमान करने से बाज नहीं आ रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक साउद आलम ने वंदे मातरम के दौरान विधानसभा में खड़े होने से मना कर दिया। इस पर बवाल हो गया है। विधायक का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो एक लोकतांत्रिक देश है। दरअसल बिहार में 30 जून को विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। इसके समापन के वक्त सदन में वंदे मातरम गाया गया। इस दौरान सदन में उपस्थित विधायक खड़े हुए, लेकिन आरजेडी विधायक अपने स्थान पर बैठे रहे। इसके बाद बिहार से लेकर केंद्र तक राजनीति गर्मा गई है। वंदे मातरम के अपमान के बाद ठाकुरगंज से विधायक साउद आलम ने इस पर बेहद बेशर्मी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। हमारा मुल्क अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान जनगण मन के दौरान वह खड़े हो सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम के दौरान उन्हें खड़ा होने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। क्योंकि अभी हमारा देश सेक्युलर मुल्क है, अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं, और ये जो राष्ट्रीय गान ये तो है नहीं। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है, इस वजह से मैं खड़ा नहीं हुआ। देखिए विधायक आप खड़े नहीं हुए थे, क्यों खड़े नहीं हुए? इसलिए कि राष्ट्रीय गान उसको मना नहीं गया। क्यों क्यों नहीं? शुरू से थे, शुरू से जनगण मन अधिनायक। राष्ट्रीय क्या परहेज है आपको? एक बार खाली बता दीजिए, क्या परहेज है बता दीजिए, फिर चले जाएगा। क्या परहेज है? क्यों नहीं गाना चाहते राष्ट्रीय? अभी हमारा ये मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं। आपको बता दें, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों ने भी वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट लाइन न्यूज के साथ।